हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। हम 250 ग्राम पास्ता के लिए 1 लीटर पानी लेंगे और इसे बॉईल होने के बाद ही हम इसमें अपना पास्ता डालेंगे। तो देखिए, हमारा पानी यहाँ बॉईल हो चुका है। हम इसमें अपना पास्ता डाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ये देखिए, हमारा पास्ता पक चुका है। इसे हमें बॉईल पानी में ही डालना है और इसे हमें 80% तक ही कुक करना है, नहीं तो हमारा पास्ता घुला घुला हो जाएगा। इसके बाद हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसको हम गर्म होने देंगे। हो चुका है, अब हम इसमें 6 से 7 कलियां लहसुन की डाल देंगे। एक छोटा प्याज यहाँ पर रफली चॉप करके डाल देंगे। यहाँ पर हम गाजर भी डाल देंगे। मैंने 2 टेबलस्पून गाजर डाल दिए यहाँ पर। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें हल्का मुलायम ही रखना है। इसके साथ ये गाजर भी हमारी पक जाएंगी। बाकी सब्जियां भी हम इसमें डाल देंगे। ये मैं कैप्सिकम डाल दूँगी, ये मैंने आधी कैप्सिकम काट रखी है, इसे डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून फूल गोभी डाल दूँगी, 1 टेबलस्पून मटर डाल देंगे। ये 2 टमाटर भी मैंने छोटे वाले डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम अनियन डाल देंगे और इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। नमक ऐड कर दूँगी यहाँ पर, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। ये देखिए, हमारी वेजी हल्की सी फ्राई हो गई है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, व्हाइट सॉस बनाते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया। इसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून हमें बटर डालना है। और हमें 3 चम्मच ही मैदा डालनी है। व्हाइट सॉस के लिए ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर रहे। हमने 3 चम्मच यहाँ पर बटर डाला है तो हम 3 चम्मच ही यहाँ पर मैदा डालेंगे और उसके बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे बराबर चलाएंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, ये अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 3 चम्मच हमने बटर लिया था, 3 चम्मच मैदा ली थी और हमें 500 ml इसमें दूध डालना है। दूध डालते समय हमें अपने चमचे को अलग रखकर ये इस यूज़ करना है और इसको लगातार हमें चलाना है। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे इसमें लम्स ना पड़े और हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है। इस तरह से
से हमें बराबर चलाते रहना है। दूध हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। हम सारा दूध इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम पकाएं 1 से 2 मिनट तक। ठीक, हमारा सॉस अभी गाढ़ा है तो हम इसे इसमें अपने पास्ता से स्टेन हुआ हुआ पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ा सॉस नहीं चाहिए। हमारा वाइट रेडी है। ये कितनी अच्छा बना है, इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेंगे और उसे चेक करेंगे कि ये बन चुकी है या नहीं। ये देखिए हमारी चम्मच क्लियर आ रही है, इसका मतलब हमारा सॉस तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये आधा चम्मच काली मिर्च ऐड कर देंगे। एक चम्मच चिली फ्लेक्स, कितना अच्छा टेक्सचर आया इसका पास्ता, इसमें डाल देंगे। चीज डाल देंगे ग्रेट की हुई और यहाँ पर पनीर ऐड करेंगे। अच्छे से चलाएंगे, इसमें वेजीज ऐड करेंगे फ्राई की हुई। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें इटालियन हर्ब्स डालेंगे, 1 चम्मच ओरिगैनो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ओके, मैंने प्लेटिंग कर दी है, आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको मेरी डिश की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।